हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IQ Neo 7 में नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे IQ ने आपके IQ Neo 7 में मई मंथ का जो अपडेट है ना, वो रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके IQ Neo 7 में मई मंथ का जो अपडेट देखने को मिला है, उसकी साइज क्या है, वर्जन क्या है, और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिले। हाँ, मैं बताऊं दोस्तों कि इस अपडेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिमूव कर दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके IQ Neo 7 में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास है मेरा IQ Neo 7। अपडेट के लिए मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ले चल रहा हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो फिलहाल ये अपडेट शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपडेट है फिलहाल जो है वो ट्रायल वर्जन में है। तो उसके लिए मैं ट्रायल वर्जन में ले जा रहा हूँ। ट्रायल वर्जन में जाने के बाद आप देख सकते हैं अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेट आया है उसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। और बात करें दोस्तों IQ Neo 7 में मई मंथ की अपडेट की, तो जो अपडेट आपके IQ Neo 7 में जारी किया गया ना, उसका वर्जन आप देख सकते हैं वो है 14.1 14.0। साइज की बात करें तो वो है 397 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच के साथ जो भी थोड़ा बहुत नेटवर्क में इशू देखने को मिल रही थी, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। बात करें दोस्तों अपडेट लॉक की, तो सिस्टम में सबसे पहले आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, जो कि मई 2024 का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो मंथ चल रहा है उस मंथ का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आपके फ़ोन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, रिमूव्ड स्मार्ट साइडबार बैकग्राउंड वीडियो लिसनिंग कैपेसिटी। हम आगे बात करेंगे कि ये कौन सा फीचर्स है। और साथ में दोस्तों, एक तरह से स्प्लिट स्क्रीन में कई बार जो लोगो आते थे वो ओवरलैप होते थे ना, वो यहाँ पे फिक्स किया गया है। हालांकि मेरे फ़ोन में इस तरह की कोई इशू देखने को नहीं मिली है, अगर आपको मिली है तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। बात करें दोस्तों नेटवर्क की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 14 के बाद IQ Neo 7 में नेटवर्क की इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, स्पेशली 5G को लेके। तो उसको भी यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई। आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज नेटवर्क अडाप्टबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। और ब्लूटूथ की बात करें तो ये इशू कुछ लोगों को देखने को मिली थी कि कई बार हम इस फ़ोन को ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करके स्पीकर में जब ऑन करते थे ना, जो ऑडियो था वो क्लियर सुनाई नहीं देता था, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। और बात करें दोस्तों होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की, तो कई बार हम किसी थर्ड पार्टी ऐप से या किसी ऐप के द्वारा बैक जाते थे, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्ले था ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था, तो उसको यहाँ पे फिक्स किया गया। आप देख सकते हैं फिक्स द ओकेजनल इशू वेयर द होम स्क्रीन इज नॉट डिस्प्ले प्रॉपरली व्हेन यू रिटर्न टू द होम स्क्रीन फ्रॉम एन ऐप। तो दोस्तों, ये तो रहा अपडेट की बात। और यहाँ पे कौन सा फीचर रिमूव किया गया है, तो मैं बता दूँ दोस्तों, अभी मैं इस अपडेट को अपडेट नहीं किया हूँ, अभी फ़िलहाल मैं अपने YouTube को बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर सकता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाऊँ, तो ये अगर स्मार्ट साइड बार को मैं यहाँ पे ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वाला फीचर अभी अवेलेबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर इस अपडेट को मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता हूँ ना, तो ये जो फीचर है रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक बार इंस्टॉल करके चेक भी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो फीचर है रिमूव हो जाने के बाद भी आप YouTube को अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में कैसे स्ट्रीमिंग कर। दोस्तों, जो अपडेट आया था मेरे IQ Neo 7 में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा जो IQ Neo 7 है वो लेटेस्ट वर्जन पे रन कर रहा है, जिसका वर्जन है 14.1 14.0। अगर इस अपडेट के बाद सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आपको दिखा दूँ कि इस अपडेट के बाद जो सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने को मिलता है, 1st of May का देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों कि क्या वो जो फीचर है रिमूव कर दिया गया है, तो हाँ मैं कहूँगा दोस्तों वो जो YouTube बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का फीचर है वो रिमूव कर दिया गया है। अगर आप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार को ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे ये जो फीचर देखने को मिलता था उसको रिमूव कर दिया गया है। अगर आप सेटिंग में भी जाके चेक करते हैं ना, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, स्मार्ट साइड बार में जाएंगे, तो ये फीचर यहाँ से रिमूव कर दिया गया, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये फीचर पसंद है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, तो इस बात को ध्यान में रख के रखिएगा कि इस अपडेट के बाद ये फीचर यहाँ से रिमूव कर दिया गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। धन्यवाद।